नमस्ते फ्रेंड, जय श्री राम। तो मेरा नाम है सागर वैद्य और हमने हमारी जो इससे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डाइजेशन ऑफ फूड, तो हमने इससे पहले डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था और कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। और हमने नेक्स्ट लेवल पे पढ़ा था भैया टंग के बारे में, ओरल कैविटी में पहली चीज पढ़ी थी टंग के बारे में। तो अब हम ये इस लेक्चर में जानेंगे भैया ओरल कैविटी में जो सेकंड ऑर्गन है जिसका नाम है टीथ। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसको अगर आपने देखा नहीं तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले अगर वो आप देख लेते हो तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके हिसाब से आपको समझा देते हैं। तो भैया पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं हमने जो टंग को, अब हम बात करेंगे टीथ की। ठीक है, तो एक ब्रांच होती है जिसमें स्टडी की जाती है भैया टीथ की, और उस ब्रांच का नाम है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे स्टडी की जाती है भैया टीथ की। अब टीथ के बारे में एक चीज होती है, जैसे हमारे पास जो टीथ होती है ना उनका साइज क्या होता है डिफरेंट होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ मैमल्स की बात कर रहा हूँ, मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ मैमल्स में जो सारी टीथ होते हैं ना वो सेम होते हैं, जो सारे टीथ होते हैं सेम होते हैं, और उस ऐसे एनिमल को बोला जाता है होमोडोंट। क्या बोला जाता है? होमोडोंट, होमोडोंट, होमोडोंट बोल सकते हैं, या फिर होमो और आइसो का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, होमोडोंट बोलो या फिर आइसोडोंट बोलो, तो ऐसे एनिमल होते हैं जिनके ही जो है सारे टीथ है सेम होते हैं। ठीक है, तो जो हम मैमल्स में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है हेटरोडंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या चीज होते हैं? ह्यूमन बीइंग हेटरोडंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो टीथ होती है कैसी होती है? अलग। ठीक है, हेटरोडंट, हेटरोडंट सारे टीथ कैसे होता है? अलग। अब हम किसको पढ़ेंगे एक-एक करके, तो अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास कितने टीथ होते हैं भैया? 32। कितने होते हैं? 32, 32 मैंस है और वुमेन बींग्स है, 32 टीथ। ठीक है, अब ये 32 टीथ किस तरह होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये जो टीथ है वो डेवलप कब होता है? ये टीथ डेवलप होते हैं भैया 6 to 8 की एज में, 6 to 8 की एज में। ठीक है, ये जो छोटे चाइल्ड होते हैं इनमें जो है 6 to 8 की एज में टीथ डेवलप होते हैं। अब भैया टीथ में दो टाइप के टीथ होते हैं, एक जो होते हैं भैया मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और दूसरे होते हैं भैया, दूसरा होता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। जो ये होते हैं ये एक बार अगर टूट रहा है तो ये फिर से रिप्लेस होते हैं, और इनकी इनका नंबर होता है भैया 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर होता है भैया 32। तो अगर हम हमारी पूरी लाइफ में अगर टीथ की जो नंबरिंग करें तो ये पूरी लाइफ में हमारे पास कितने टीथ हो जाते हैं भैया? 52। कितने? 52। ये चीजें समझ में आई? 20 जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं एक के, अगर वो टूट जाए तो वो उसकी जगह पे दूसरे आते हैं, लेकिन एक बार अगर हमारे जो रिप्लेस हुए वाले जो टीथ है वो टूट गए तो वो फिर से आते नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज होती है भैया छोटे बच्चे में, चलो अब हम पढ़ेंगे टीथ के टाइप। तो हमारे पास चार टाइप के टीथ होते हैं, पहला होता है इंसेसर। ठीक है, पहला होता है इंसेसर, दूसरी होती है भैया कनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। इंसेसर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसेसर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसेसर होते हैं भैया चार। ठीक है, कनाइन होते हैं दो। ठीक है, कनाइन हो गए दो, प्रीमोलर या प्रीमोलर होते हैं भैया चार, और मोलर होते हैं भैया छह। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं इंसेसर की। तो इंसेसर जो है हमारे जो आगे वाली ये चार टीथ है इनको बोला जाता है इंसेसर। तो इनका काम क्या होता है भैया? फूड को क्या करना? ब्रेक डाउन करना। ठीक, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? इंसेसर, इंसेसर, इंसेसर का काम क्या होता है? इंसेसर का काम होता है ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेकिंग द फूड, ब्रेकिंग
ब्रेक करने का काम किसका होता है, इंसिजर का। और दूसरा जो आता है भैया वो ये होती है कनाइन। अब कनाइन का काम क्या होता है, कनाइन क्या करता है भैया जी, जो है ना हाँ, ये जैसे मिल और किसी चीज को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं भैया ग्रीडिंग, ग्रीडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। और भैया ये जो प्रीमोलर होते हैं ये फूड को रप्चर करने में मदद करते हैं। क्या करने में मदद करते हैं, प्रीमोलर क्या कर देते हैं, रप्चर करने में मदद करते हैं। और फिर जो मोलर होते हैं ये भी फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। ये जो प्रीमोलर वाले टीथ होते हैं ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो प्रीमोलर वाले टीथ है ये छोटे बच्चे होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, इनकी जगह कौन रहता है, मोलर रहता है। उसके बाद ये बाद में अगर हमारी एज जब 12 से 30 ईयर हो जाती है उसके बाद ये प्रीमोलर जो है छोटे बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूला आता है जिसको बोला जाता है टीथ फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है जिसको बोला जाता है टीथ फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला। इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, टीथ फॉर्मूला ज्यादा कुछ बड़ा फॉर्मूला है नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं भैया, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये टू जो है, देखो भैया हमारा जो जबड़ा है ये जॉ है, तो उसका एक साइड को कंसिडर करें तो देखो यहाँ पे कितने इंसेसर है, 2, तो इसको ले लिया 2 इंसेसर। अब एक वन क्या है, कनाइन है, तो ये ले लिया भैया 1 कनाइन। और ये भैया 2 प्रीमोलर है, ठीक है, तो इसको ले लिया 2। और ये भैया 3 मोलर है तो इसको ले लिया 3। कितने हो गए, 3 2 5, 5 और ये 6, और ये हो गए 7 8, ये हो गए 8 × 2, ये 8 इधर साइड वाले और 8 इधर साइड वाले, कितने हो गए 16। ये हो गए 16 ऊपर के वाले और नीचे वाले 16, ये हो गए 16 16 32। इंसेसर कनाइन प्रीमोलर मोलर, ये हो गए हमारे 32। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भैया जो हाथी के जो बाहर निकले होते हैं वो दांत कौन से होते हैं। तो हाथी के हमें बहुत बार लगता है कि भैया ये जो बाहर निकले होंगे वो कनाई होंगे, लेकिन उसके कनाई नहीं होते हैं, उसके उसके जो बाहर निकले वाले दांत होते हैं, उसके जो बाहर निकले वाले दांत होते हैं उस वो होते हैं इंसेसर। इंसेसर इंसेसर जो है बाहर निकले वाले जो है उसके दांत होते हैं, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन और एक अराइज होता है कि बर्ड्स में जो है दांत होते हैं, तो भैया बर्ड्स में ना टीथ होते नहीं है। अगर लेकिन अगर हम बात करें इवोल्यूशन के पहले की, तो हमें ये फॉसिल्स मिला था जिसको ना जिसका नाम है आर्कियोटिक्स। आर्कियोटिक्स जो है रेप्टाइल्स और